अस्सलाम वालेकुम, दिस इज बुश पंजवानी। अगर आप किसी कैफे या रेस्टोरेंट के ओनर हैं तो आप चांसेस हैं कि आप काफी दुखी और परेशान होंगे करंट सिचुएशन की वजह से। जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, 6 महीना बहुत बुरी सिचुएशन थी। जो कुछ पैसा बनाया था, जो रिजर्व में था, वो सारा खर्च हो गया होगा। रेंट्स दे रहे थे, सैलरीज दे रहे थे, बिल्स दे रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के, तो सारा रिजर्व चला गया। फिर अगस्त में काम शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी सी सेल्स बेहतर हुई, सितंबर थोड़ा और बेहतर हुआ, अक्टूबर थोड़ा सा बेहतर हुआ, और जहां पे हम ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंचने वाले थे कि एकदम से सेकेंड लॉकडाउन आ गया। सेकेंड लॉकडाउन आ गया तो जाहिर है कि सिचुएशन बहुत ही डिप्रेसिंग हो गई। डाइनिंग, इंडोर डाइनिंग जब बंद हो गई तो क्या हुआ, आउटडोर बिजनेस दोबारा से एकदम आधे से नीचे चला गया। तो काफी परेशान होंगे आप अगर आप किसी भी कैफे या रेस्टोरेंट के ओनर हैं। तो इस परेशानी में क्या किया जाए? एक चीज जो की जा सकती है वो है रिग्रेट। का मतलब ये कि रिग्रेट करना कि क्यों मैंने ये काम शुरू किया, क्यों मैंने कैफे के काम में आया, क्यों इस टाइम पे बिजनेस शुरू किया, क्यों ये नहीं कर दिया, क्यों वो नहीं कर दिया, क्यों ऐसा नहीं कर दिया, क्यों वैसा नहीं कर दिया, इस काम में क्यों आ गया, यहां कहां फंस गया। ये रिग्रेट 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 वाली बात है। इस मुल्क में वापस क्यों आ गया, मतलब जो एक्शंस आपने लिए थे जिसकी वजह से आप बिजनेस में हैं उस पर रिग्रेट करना। तो रिग्रेट करने से क्या होगा, डिप्रेशन भी बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ेगा, और भी गुस्सा आएगा, कोई फायदा नहीं होगा, कोई सिचुएशन बेहतर नहीं होने वाली। दूसरी चीज कि जो कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जो कि आप कर सकते हैं, वो है ब्लेम। ब्लेम का क्या मतलब, ब्लेम करें गवर्नमेंट को कि हमारी गवर्नमेंट बहुत बुरी है, मुल्क को ब्लेम करें हमारा मुल्क बहुत बुरा है, ब्लेम करें कोविड को कि कोविड ने मेरा जिंदगी खराब कर दी, ब्लेम करें अपने पार्टनर्स को, मना किया था मैंने, ये सही टाइम नहीं है लॉन्च करने का, ब्लेम करें उन सब लोगों को जिसको आप ब्लेम कर सकते हैं, अपने आप अपने अलावा सबको ब्लेम कर दें, अपनी किस्मत को ब्लेम कर दें कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो कोई काम से नहीं होता है। अल्लाह मियां को भी ब्लेम करते हैं कुछ लोग, अल्लाह मियां मेरे साथ ही क्यों ऐसे होता है, मेरा ही काम क्यों खराब होता है। अच्छा, रिग्रेट में एक चीज मैं भूल गया, अगर आपने जॉब छोड़ी थी बिजनेस करने के लिए तो भी रिग्रेट कि काश मैंने जॉब ना छोड़ी होती, काश मैंने अपनी जॉब पकड़ के रखी होती, कहां मैं एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस में आके फंस गया। तो रिग्रेट 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 वो सारी चीजें। ब्लेम में ये होता है कि गवर्नमेंट को ब्लेम करें कि हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, कोविड खत्म नहीं हो रहा है, अल्लाह मियां मेरे साथ हमेशा ऐसे क्यों करता है। तो ब्लेम 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 ब्लेम। अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स को ब्लेम करें, किसी ने इन्वेस्टमेंट करवाया उसको ब्लेम करें, फ्रेंचाइजर को कर सकते हैं तो उसको ब्लेम करें कि कहां मुझे फंसा दिया उसने इस काम में। तो ब्लेम ब्लेम ब्लेम, उससे क्या होगा, उससे भी डिप्रेशन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, कोई मसला हल नहीं होगा, बल्कि मसला शायद खराब हो सकता है और भी ज्यादा। तो रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, ब्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। और क्या कर सकते हैं, तीसरी चीज जो कर सकते हैं वो है इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का मतलब अपनी एक्टिविटी कम कर दें, अपना बिजनेस में इनपुट कम कर दें, दुकान जाना ही छोड़ दें, अपने रेस्टोरेंट कैफे जाना ही छोड़ दें कि कोई कस्टमर ही नहीं तो फायदा क्या जाने का, और बस जो जो एक्शन करते थे, जो जो काम करते थे, उस काम को एकदम कम कर दें, अपना एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमाइज कर दें कि आउटलेट जाने का क्या फायदा, ये करने का क्या फायदा, मार्केटिंग का क्या फायदा, लोगों से बात करने का क्या फायदा, ट्रेनिंग का क्या फायदा, किसी चीज का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि बिजनेस ही नहीं है तो फायदा क्या। तो घर बैठते हैं, सोएं, कुछ और करें, नेटफ्लिक्स देखें, रात भर जागें, दिन भर सोएं, इनएक्टिविटी, अपना इन्वॉल्वमेंट एकदम कम कर दें, उससे क्या होगा, उससे भी डिप्रेशन बढ़ेगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, और जब डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, गुस्सा आएगा, स्टाफ पे गुस्सा निकलेगा, फैमिली पे गुस्सा निकलेगा, और क्या होगा, जो बिजनेस आ सकता था वो भी नहीं आएगा, क्योंकि जब स्टाफ को डांट पड़ेगी, स्टाफ को गुस्सा आएगा तो स्टाफ का हैप्पीनेस लेवल ड्रॉप होगा, और जो कस्टमर सर्विस का लेवल है वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाएगा, और जब आपकी इनएक्टिविटी हो जाएगी तो मॉनिटरिंग कम हो जाएगी, मैनेज कम होगा, हो सकता है कि सफाई पे जो ख्याल होता था पहले आपकी वजह से वो कम हो जाए, हो सकता है कि आपकी वजह से जो स्टाफ टाइम पे आता था वो टाइम पे ना आए। तो इन सारी चीजों से जब डिप्रेशन आपका बढ़ेगा, जब आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, जब आपका गुस्सा बढ़ेगा, तो सिर्फ नुकसान होगा। जो नुकसान कोविड से हुआ था
वो होगा, और दूसरा नुकसान वो होगा जो हम अपने आप को पहुंचाएंगे अपनी डिप्रेशन की वजह से, तो नुकसान डबल हो जाएगा। वो बिजनेस जो होने वाला था वो भी शायद लूज हो जाए। मतलब फायदा तो कहीं से नहीं हो सकता, ना रिग्रेट करने का, ना ब्लेम करने का, ना इनएक्टिविटी का, कोई फायदा तो नहीं है। नुकसान के तो बहुत सारे चांसेस हैं। स्ट्रेस की वजह से हेल्थ भी खराब होगी, स्ट्रेस की वजह से, अनहैप्पीनेस की वजह से रिलेशनशिप भी खराब होगी, स्टाफ के साथ, पार्टनर्स के साथ, फैमिली के साथ, नींद खराब होगी और बिजनेस लॉस होगा। तो इन सब चीजों का तो कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर क्या करें? उन चीजों पे फोकस करें जो हमारे कंट्रोल में है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट पर थोड़ा सा काम करें, कोई प्रोडक्ट इनोवेट करने की कोशिश करें, अपनी रेसिपीज को रिविजिट करें, अपनी किसी चीजों को, एग्जिस्टिंग चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश करें, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करें, जिसका टाइम नहीं होता है जब बिजनेस बहुत जबरदस्त होता है तो। आजकल टाइम ज्यादा है प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, कोई नई प्रोडक्ट दो तीन लाइनअप करके जबरदस्त ही बना के रखें, लॉन्च भी कर सकते हैं, अगर लॉन्च नहीं करें तो रेडी रखें, जैसी सिचुएशन बेहतर हो लॉन्च करें, बल्कि अभी लॉन्च करें। तो ये एक चीज हो सकती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट पे फोकस। क्या होगा उससे? आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, स्टाफ का एक्शन और मोटिवेशन बढ़ेगा, एक नई चीज होगी, लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, और चांसेस आर हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी लेवल मेंटेन रहेगा। तो एक चीज हो गई प्रोडक्ट। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं? मार्केटिंग। मार्केटिंग करने का क्या फायदा जब कोई आई नहीं रहा, जब कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा? बिल्कुल फायदा है। अगर आपकी वेबसाइट ठीक नहीं है, वेबसाइट ठीक करें, सोशल मीडिया ठीक नहीं है, सोशल मीडिया ठीक करें, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम नहीं है, इंस्टाग्राम पेज बनाएं, उस पर एक्टिविटी शुरू करें, ट्विटर नहीं है तो ट्विटर पर एक्टिविटी शुरू करें, यूट्यूब पर एक्टिविटी शुरू करें, जितने भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, ये 5-6 चीजों पर आपकी प्रेजेंस को बढ़ाएं। मार्केटिंग और क्या हो सकती है? फूड ग्रुप्स के ऊपर जो पोस्ट होती है उस पर फोकस करें, जो जो मार्केटिंग की चीजें पॉसिबल हैं उन सब चीजों के ऊपर काम करें, कोशिश करके जीरो कॉस्ट, बगैर पैसा खर्च किए हुए। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया इज जीरो कॉस्ट। तो दूसरी चीज मार्केटिंग, मार्केटिंग पर काम करने से क्या होगा? शायद थोड़ा से कस्टमर्स बेहतर होंगे, थोड़ा सा रेवेन्यू बेहतर होगा, थोड़ा एक्शन आएगा, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट आएगा, थोड़ा स्टाफ खुश होगा, अगेन रिजल्ट इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नुकसान तो कोई नहीं होने वाला। तीसरी चीज जो कर सकते हैं वो ट्रेनिंग। किसकी? अपनी ट्रेनिंग। कौन सी ऐसी चीजें जो आपको सीखने की जरूरत है? ऑनलाइन मार्केटिंग सीखने की जरूरत है तो वो सीखें, प्रोडक्ट के बारे में कुछ सीखने की जरूरत है वो सीखें, कॉफी अपनी अगर आपको बनाना नहीं आता है, खुद कैफे में काम करते हैं तो उसको सीखें अगर शौक है तो। कुछ ऐसी चीजें जो आपको सीखने का शौक है, जिसका टाइम नहीं मिलता था, उसका टाइम मिल गया है, वो सीखें। तो ट्रेनिंग अपने आप से शुरू होती है। पहले तो अपनी पॉजिटिविटी की ट्रेनिंग भी जरूरी है, किस तरह से अपने इमोशंस को मैनेज किया जाए उसकी भी ट्रेनिंग की जरूरत है। तो अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ और किसकी ट्रेनिंग करनी है? स्टाफ की ट्रेनिंग करनी है। स्टाफ की ट्रेनिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता है जब बिजनेस बहुत जबरदस्त होता है, जब हम बिजी होते हैं सुबह शाम, तो टाइम ही नहीं मिलता है किसी से बात करने का। आजकल टाइम ही टाइम है। स्टाफ के ऊपर तवज्जो दें, स्टाफ की ट्रेनिंग पे काम करें। स्टाफ की ट्रेनिंग कौन सी होती है? कस्टमर सर्विस की ट्रेनिंग होती है, पॉजिटिविटी की ट्रेनिंग होती है, सफाई और हाइजीन की ट्रेनिंग होती है, रेसिपीज की ट्रेनिंग होती है, स्टॉक मैनेज किस तरह किया जाता है उसकी ट्रेनिंग होती है, अकाउंटिंग कैसे मैनेज किया जाता है उसकी ट्रेनिंग होती है। तो सारी ट्रेनिंग, जो जो ट्रेनिंग जहां जहां पे हम लैक कर रहे हैं उस ट्रेनिंग पे फोकस कर सकते हैं। तो तीन चीजें हो गई ना, प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, मार्केटिंग पे काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग पे काम कर सकते हैं। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके ऊपर फोकस करके, अपनी एनर्जीज लगाकर, टाइम वेस्ट करके डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हम। वो सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोविड कितना फैला है, कितना फैलेगा, कब तक रहेगा, हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो वाले लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं, लोग ऐसे क्यों हैं, वो सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। कितना पैसा खर्च हो गया है, कितना खर्च होने वाला है, नहीं है हमारे कंट्रोल में। बिजनेस एकदम से बंद करके कुछ और नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस करने से फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन बढ़ेगा। ब्लेम करना, रिग्रेट करना, इनएक्टिविटी को अवॉइड करना है हमें, उन तीन चीजों को अवॉइड करना है जो बहुत कॉमनली लोग कर रहे हैं, उसको अवॉइड करना है हमें, क्योंकि उससे हमारी नेगेटिविटी और बढ़ेगी, फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन और बढ़ेगा, गुस्सा और आएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होगा। तीन चीजें जो हम कर सकते हैं
प्रोडक्ट पे फोकस कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग पे और टाइम लगा सकते हैं, ट्रेनिंग पे टाइम लगा सकते हैं और इसी तरह से, और वो सारी चीजें जो हमारे अपने कंट्रोल में है उसके ऊपर कंटिन्यूअसली फोकस करना है, अपनी एनर्जी और अपना एफर्ट लगाना है। आपकी हेल्थ हमारे कंट्रोल में है, हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हमारा न्यूट्रिशन कैसा है, हम अपना ख्याल अपनी हेल्थ और फिटनेस का कैसे रख रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है, हम मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे हैं, हम सैनिटाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारा स्टाफ हाइजीन और सैनिटाइजेशन का ख्याल रख रहा है कि नहीं रख रहा है, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में है, इसके ऊपर कंटिन्यूअसली फोकस करना है। हम कितनी बुक्स पढ़ने वाले हैं, हम क्या सीखने वाले हैं, हम क्या वॉच करने वाले हैं वो हमारे कंट्रोल में है, हमारी रिलेशनशिप्स के ऊपर हम कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं वो हमारे कंट्रोल में, वो सारी चीजें जो हमारे कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी बात, हमारी पॉजिटिविटी, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी थॉट्स और हमारे फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में, हम कितना पॉजिटिव मोटिवेटेड रहते हैं वो हमारे कंट्रोल में है। उन चीजों पर फोकस करेंगे तो डिप्रेशन थोड़ा कम होगा, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम होगा, गुस्सा थोड़ा कम आएगा और इस सीरियस किस्म के चैलेंज को मैनेज करना थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। आई होप कि आपके लिए यूजफुल हो, अगर आपको यूजफुल लगे तो आप इसको शेयर कीजिए उन लोगों के साथ के जो रेस्टोरेंट और कैफे के ओनर्स हैं। इसमें से बहुत सारी चीजें उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल हैं जो किसी भी बिजनेस के ओनर हैं जो कोविड की वजह से सफर कर रहा है। तो ये सिर्फ रेस्टोरेंट कैफे इंडस्ट्री नहीं बल्कि हर बिजनेस के लिए इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके काम आ सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।